बच्चों नमस्कार। हमने पिछले लेक्चर्स में बाइनरी ऑपरेशन और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बीजगणितीय संरचना की बात की थी एवं द्विचल संक्रिया की। तो यहाँ हम ग्रुप की डेफिनेशन पर आएंगे। उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए जी जो है नॉन एम्प्टी सेट है। ओके, जी यदि नॉन एम्प्टी सेट है तथा ओ कोई बाइनरी ऑपरेशन है, तो जी कॉमा ओ या कंपोजिशन भी कह सकते हैं इसके लिए हम इसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे। ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर वन में चर्चा की थी। तो ग्रुप की डेफिनेशन पर हम आते हैं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी कंपोजिशन वेयर जी इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ओ इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ द बाइनरी ऑपरेशन ओ सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर वन, फिर से सुन लीजिए कि एक बीजगणित संरचना जी कंपोजिशन को जहाँ की जी अलिप्त समुच्चय है और ओ एक बाइनरी ऑपरेशन है जो जी पर परिभाषित है, इसे हम समूह या ग्रुप कहेंगे यदि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को जो नीचे प्रॉपर्टी दी उनको उनका पालन करें। तो नंबर वन, क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले भी फर्स्ट लेक्चर में बात की है कि संवर्त गुणधर्म क्या होता है, तो यहाँ हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। तो मान लीजिए ए और बी कोई भी दो एलिमेंट हैं, वो था एनी टू एलिमेंट ऑफ जी, देन ए कंपोजिशन बी आल्सो बिलोंग टू जी। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ये है कि सभी ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए कंपोजिशन बी भी जी का मेंबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है साहचर्य गुणधर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी इन जी वी हैव देन वी हैव ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी इक्वल ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी। मतलब ए बी सी के किन्हीं भी अवयव ए बी सी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी इक्वल ए कंपोजिशन बी एक ब्रैकेट में देन कंपोजिशन सी। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे कि जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जी कंपोजिशन यह है साहचर्य नियम का पालन करता है। ओके, तो इसके बाद आई थर्ड प्रॉपर्टी, ये भी हमने सब लेक्चर वन में बात की थी, विस्तार से बात की थी। जी थ्री, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तत्समक का अस्तित्व, तत्समक अवयव की भी हमने चर्चा की थी कि प्रत्येक ए बिलोंग्स जी के लिए दे एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए डैश बिलोंग्स टू जी सच दैट, मतलब प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए यहाँ एक अवयव ए डैश जी में इस प्रकार से होगा बिलोंगिंग टू जी सच दैट ए कंपोजिशन ए डैश इक्वली, सॉरी ये मैंने यहाँ इनवर्स का कॉन्सेप्ट लिया है। तो टू ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर इज एन एलिमेंट ई डैश बिलोंग्स टू सॉरी ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए कंपोजिशन ई इक्वल ई कंपोजिशन ए, मतलब प्रत्येक ई बिलोंग्स टू जी के लिए यहाँ एक अवयव ई बिलोंग्स टू जी इस प्रकार से होगा कि ए कंपोजिशन इक्वल ए कंपोजिशन ए।
where E is called the identity element of G, जहाँ E को हम G का तत्समक अवयव कहते हैं। तत्समक अवयव की भी हमने बड़ी विस्तार से चर्चा की थी लेक्चर वन में। G4, चौथी प्रॉपर्टी प्रतिलोम का अस्तित्व, मतलब समूह में प्रतिलोम अवयवी होना चाहिए प्रत्येक अवयव का। सो यहाँ थोड़ा सा और करेक्शन हम कहेंगे, क्योंकि इनवर्स हम बीच में यहाँ ले आए थे तो इसलिए इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं कि ये सभी अवयवों के लिए होगा। तत्समक सभी अवयवों के लिए एक ही होगा, ओके। तो हम आते हैं प्रतिलोम पर कि प्रतिलोम जो है अलग अलग अवयव के लिए अलग अलग होता है, जैसे लास्ट लेक्चर में भी देखा था हमने। सो टू ईच, ए बिलोंग टू जी, दे एग्जिस्ट, यहाँ अस्तित्व है, दे एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ए डैश बिलोंग्स टू जी सच दैट ए कंपोजिशन ए डैश इक्वल ई इक्वल ए डैश कंपोजिशन ए, वेयर ए डैश इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। प्रत्येक अवयव ए के लिए यहाँ एक अवयव ए डैश जी में इस प्रकार होगा कि ए कंपोजिशन ए डैश इक्वल ई इक्वल ए डैश कंपोजिशन ए। यदि ये चारों प्रॉपर्टी किसी अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में हैं, बीजगणित संरचना जी कंपोजिशन में है, तो हम कहेंगे जी कंपोजिशन इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ओ। तो बाइनरी ऑपरेशन ओ के सापेक्ष यह जी एक समूह कहलाता है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इसे आप ग्रुप से लेके लास्ट यूनिट में फील्ड तक पढ़ेंगे। तो फील्ड भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है और हम वहाँ रिंग भी पढ़ेंगे, इंटीग्रल डोमेन भी पढ़ेंगे। तो सभी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। जैसे कि हम फिर से इसको रिपीट करते हैं कि हमने लेक्चर वन में चार प्रॉपर्टी की बात, मतलब बहुत सी प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, उनमें से कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमने यहाँ ली कि क्लोजर प्रॉपर्टी है फर्स्ट समरक गुणधर्म, दूसरा साहचर्य गुणधर्म मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ओके फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो यहाँ देखेंगे चार प्रॉपर्टी यदि हैं तब हम इसको जो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है बीजगणितीय संरचना है जी कंपोजिशन इसे हम समूह कहेंगे। फिर से आप ध्यान दीजिए कि क्रम जो होता है सबसे पहले हम क्लोजर दिखाएंगे लिखेंगे फिर साहचर्य लिखेंगे। चूँकि इनवर्स में ई आता है इसलिए हमें ई को पहले डिफाइन करना होगा। जैसे यहाँ पर ई आपने डिफाइन कर दिया ना कि ई आइडेंटिटी इस प्रकार से होना चाहिए, तो तृतीय क्रम होगा आइडेंटिटी एलिमेंट का और चौथा क्रम होगा इनवर्स का। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनका क्रम निर्धारण करना आपको बहुत आसानी होगी यदि क्रम से लिखेंगे। इसमें हम एक भी प्रॉपर्टी ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन की हमने बात की कि बाइनरी ऑपरेशन कई हो सकते हैं, इनफाइनाइट बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। जैसे हम इसमें थोड़ा सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने लिया सेट ऑफ इंटीजर्स आई, आई क्या है 0, +1, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन जो है ना, चूँकि इन्फाइनाइट है, ऑर्डर से मतलब क्या होता है कि उस समुच्चय में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ आई जो है वो क्या हुआ, इन्फाइनाइट, चूँकि इसमें अनंत अवयव हैं। तो यदि ये समूह बनाएगा तो हम कह देंगे कि यह अनंत समूह है। तो नंबर वन देखें आप, मैं नाम नहीं लिखूँगा बार बार कि फॉर ऑल ए बी belongs to I, A plus B also belongs to I। हम चर्चा कर रहे हैं क्या I जो है एडिशन के सापेक्ष समूह बनाता है, ओके। तो I plus set of integers जो है
पॉजिटिव ऑपरेशन के लिए, तो I प्लस क्या हो गया, बीजगणितीय संरचना, इसे हम बीजगणितीय संरचना कहेंगे। तो बीजगणितीय संरचना I प्लस क्या ये समूह बनाता है, तो हम देखें कि कोई भी दो इंटीजर ले लें, एन इंटीजर ए एंड बी, ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू आई, तो सम ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन ए इंटीजर, चूंकि दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, इसलिए संवृत अभिघेत का पालन होता है। तो आपकी प्रॉपर्टी नंबर वन जीवन हो गया। नंबर टू, फॉर ऑल ए बी सी, हम कोई भी पूर्णांक ले लें ए बी सी, देखेंगे आप ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, किसी भी क्रम में हम जोड़ दें पूर्णांकों को तो ये पूर्णांक ही होंगे, बराबर होंगे। जी थ्री, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई दे एग्जिस्ट, अब आप देखिए योग के लिए तत्सम क्या होगा कि हमें वही अवयव ए मिल जाए। सो यहाँ शून्य है आई में, किस प्रकार से है कि यदि हम इस प्रकार से है कि यदि हम ए में शून्य जोड़ें तो हमें ए ही मिलेगा। ओके, तो शून्य जो हो गया ये आपका योगात्मक तत्समक है, योग के लिए तत्समक है। इसी प्रकार फोर्थ प्रॉपर्टी है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई दे एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आई, किस प्रकार से है कि सॉरी यहाँ फिर मैंने फॉर ऑल लिखा, चूंकि सभी एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होगा इनवर्स, इसलिए आपको यहाँ लिखना चाहिए कि टू ईच, ओके टू ईच, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आई के लिए यहाँ एक अवयव माइनस ए बिलोंग्स टू आई, इस प्रकार से होगा कि ए प्लस माइनस ए इक्वल जीरो इक्वल माइनस ए प्लस ए। यहाँ आप देखें कि हम जैसे डेफिनेशन में हमने लिखा ई को ए कॉम्पोजिशन ई लिखा, ई राइट में राइट आइडेंटिटी कह सकते हैं इसको, दाएं तत्समक, ये बाएं तरफ लिखा तो इसको बाएं तत्समक, हाँ इसकी भी हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो ए प्लस माइनस ए इक्वल जीरो इक्वल माइनस ए प्लस ए, तो ये चौथी प्रॉपर्टी का भी पालन हो रहा है। सो देयरफॉर अलजेब्रिक जो बीजगणितीय संरचना है कौन सी, सॉरी इसको अंडू कर देते हैं, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आई प्लस चूंकि सभी प्रॉपर्टीज का पालन करता है इसलिए यह ग्रुप है, इसे हम एडिटिव ग्रुप भी कहते हैं। तो इसके बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आप देखेंगे नंबर टू, हमने लिया सेट ऑफ इंटीजर्स टू आई लिया, तो उस पूरे सेट को टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे हम कहते हैं सेट ऑफ इवन इंटीजर्स विथ जीरो, सम पूर्णांकों का समुच्चय शून्य सहित, तो टू आई ये भी समुच्चय है, ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है ये भी ग्रुप है। ओके, इसको यदि जनरलाइज करें हम एम आई मतलब हम जी को कह देते हैं कि जी हमारा है जो है सेट, और एम आई है, एम आई क्या है, हमने सेट ऑफ इंटीजर्स को एम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि जैसे संपूर्णांकों के लिए दो संपूर्णांकों का योग एक संपूर्णांक होता है, सेट ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज अगेन अगेन एन इवन इंटीजर। इसी प्रकार आपका सहचर भी किसी भी क्रम में इनको जोड़ दें, ए और बी को पहले जोड़ दें फिर सी को जोड़ दें, या ए को अलग लिखें बी और सी को जोड़ दें तब भी ये बराबर होगा, तो ऐसे टू को भी फॉलो करता है, आइडेंटिटी जीरो है ही, और टू का इनवर्स टू यहाँ दिख रहा है, फोर का इनवर्स फोर दिख रहा है। अब देखिए जो हमने ये सेट लिया तीसरे एग्जाम्पल में, ये मल्टीपल्स ऑफ एम है, सभी जो है एम के मल्टीपल हैं, तो किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो वो ही एम का मल्टीपल होगा, तो यहाँ इनवर्स भी है आइडेंटिटी भी है और सहचर्य भी है चारों प्रॉपर्टीज में, तो ये भी ग्रुप है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं ग्रुप के, जिसे यहाँ आपका क्यू प्लस सेट ऑफ रैशनल्स
with respect to addition, set of reals with respect to addition, set of complex number with respect to addition, ये सभी समूह हैं. ओके, तो जैसे हम लें सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल्स. पहले भी हमने इसको लेक्चर में बताया था कि शून्य रहित, जिसमें शून्य नहीं है, मतलब सेट ऑफ रैशनल्स विदाउट जीरो, ये भी ग्रुप है. सेट ऑफ रियल्स विदाउट जीरो, ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप है. और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी ग्रुप है. इसे हम कहेंगे एडिटिव ग्रुप और इसे कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप. अब आप देखेंगे मैंने शून्य क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों गुणा के लिए शून्य का प्रतिलोम कितना होगा, इनवर्स ऑफ जीरो क्या होगा, वन बाई जीरो. एंड दिस इज नॉट ए नंबर, इट इज अनडिफाइंड, ये परिभाषित नहीं होता है, क्योंकि वन बाई जीरो क्या है, आपका इन्फाइनाइट है. तो आपको ये भी क्लियर होगा, क्लियर हुआ मल्टीप्लिकेशन ग्रुप हुआ. ऐसे किसी भी ऑपरेशन के लिए भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमने जी डिफाइन किया एक्स सच दैट एक्स इक्वल ए स्टार बी, वेयर स्टार इज डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल ए बी बाई टू, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल क्यू. तो ऐसे ऑपरेशंस के लिए भी आप ट्राई कीजिए. ये भी एक एग्जांपल हुआ, ये भी क्या है, ग्रुप है. इसके लिए आप आइडेंटिटी निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे. चलिए हम शॉर्ट बता देते हैं कि फर्स्ट ए और बी रैशनल्स हैं, चूँकि ए इंटू बी अपॉन टू बी रैशनल्स है, इसलिए एक्स जी का मेंबर है. ओके, एसोसिएटिव भी होगा, क्योंकि आप देखें ए स्टार, हम लिख देते हैं ए स्टार बी इक्वल ए इंटू बी अपॉन टू, ए और बी रैशनल्स हैं तो ये भी रैशनल्स हैं, है ना. तो ए स्टार बी मेंबर हो गया किसका, क्यू का. इसी प्रकार एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी हमने निकाल के दिखाया है कि एसोसिएटिव है आइडेंटिटी ए स्टार ई इक्वल ए इंटू ई बाई टू. ओके, और मिलना क्या चाहिए, ए मिलना चाहिए. तो यहाँ से देखेंगे आसानी से ए इक्वल आपको टू मिलेगा. इसी प्रकार इनवर्स के लिए देखें कि इनवर्स यदि सेकंड साइड चाहिए, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा इनवर्स, ए का इनवर्स यदि ए डेस है तो हमें मिलेगा ई. सो दिस इम्प्लाइज ए स्टार ए इज ए ए डेस बाई टू इक्वल टू. सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपको सम रूल्स हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको ए डेस इक्वल 4YA मिलेगा. तो आप चेक कर सकते हैं इसके लिए कि क्या ये सही है. तो A स्टार 4YA इक्वल A इंटू 4YA डिवाइडेड बाय 2. तो आप देखेंगे आसानी से 2 मिलेगा, मतलब E. तो इसलिए 4YA जो है ये इनवर्स हुआ A का. तो ऐसे हम इसलिए बताना चाहते हैं आपको कि आप अपने दिमाग से दो ऑपरेशन छोड़ दें कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन अकेले नहीं होते, इसके अलावा भी इन्फाइनिट ऑपरेशंस होते हैं जिनकी हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी. अब आप देखिए कि मान लीजिए हमने दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि सेट ऑफ वेक्टर्स हमने लिया वी, तो वी जो है नॉन एम्प्टी सेट है क्योंकि जीरो वैक्टर का एग्जिस्टेंस है. तो आप देखेंगे कि सेट ऑफ वैक्टर्स का जो सेट है ये भी ग्रुप है. कौन सा ग्रुप है, एडिटिव ग्रुप है, क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ टू वेक्टर्स इज अगेन ए वेक्टर. दो सदिशों का योग एक सदिश होता है, सदिश योग साचर नियम का पालन करते हैं. एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. थर्ड, एक जीरो वेक्टर है जो आइडेंटिटी वेक्टर काम करेगा, और नेगेटिव वेक्टर भी होते हैं. जैसे वेक्टर ए है तो उसका इनवर्स क्या होगा, वेक्टर ए का माइनस ए होगा वेक्टर, है ना. तो बच्चों सेट ऑफ वेक्टर्स भी ग्रुप बनाता है, इसे हम एडिटिव ग्रुप कहते हैं. इसके अलावा हम आपको एक पीछे ले जाना चाहते हैं कि हमने एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल नंबर 1. कुछ बच्चे क्या होते हैं कि प्रॉपर्टीज तो चारों दिखाते हैं, उनको चारों प्रॉपर्टी मालूम है, लेकिन यहाँ जो हमने सिंबल्स लिए हैं ए और बी, इनकी जगह वो संख्या ले लेते हैं.
कुछ दो ले लिए, तीन ले लिए, चार ले लिए, वो गलत है। क्योंकि बेटा जब बात होती है फॉर ऑल की तो हम सिंबल ही लेना चाहिए, जैसे ए और बी लिए। मैंने पूरे एग्जाम्पल्स में देखा कहीं भी इंटीजर्स नहीं लिए मैंने, केवल सिंबल्स में बात की, केवल आइडेंटिटी। चूंकि जीरो है तो बताना पड़ेगा कि ये भी हम आगे दिखाएंगे यूनिक होता है, ये अद्वितीय होता है। इसलिए यहाँ आपको केवल इंटीजर जीरो दिख रहा है। इसलिए किसी भी प्रॉब्लम में आप कोई भी जो एलिमेंट्स दिए हैं, अलग अलग एलिमेंट्स ना लेके इन जनरल एलिमेंट्स लेके हम चर्चा करेंगे, तभी आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। और भी एग्जांपल्स जो आप दे सकते हैं, जो आपने स्कूल लेवल में भी पढ़े हैं, कि मान लीजिए एम इज ए सेट ऑफ ऑल 2×2 मैट्रिसेस। एम जो है 2×2 मैट्रिक्स का समूह है। इसको आप इन जनरल ये भी कह सकते हैं, यदि एन क्रॉस एन है तब भी सही है ये। ओके, तो ये जो हम जानते हैं कि मैट्रिसेस में प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, या ऐसा लिख लीजिए एम एम इज ए मेंबर ए सच दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, द्वितीय कोटि का ये वर्गावयव है, मतलब 2×2 मैट्रिक्स है। अब जो एंट्रीज होंगे एंड एलिमेंट्स ऑफ ए, एंट्रीज ऑफ ए आर रियल्स, ऑल एंट्रीज ऑफ ए आर रियल्स। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप ये कि या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने देखा कि यदि ए और बी हम दो मैट्रिक्स लेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या होगा, 2×2 मैट्रिक्स होगा, तो ये एम का मेंबर होगा। तो इसलिए क्या हो गया कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एम इम्प्लाइज ए इन टू बी भी एम का मेंबर है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन एसोसिएटिव होता है, ये भी आपने पढ़ा है। तीसरी बात, आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पढ़ा है कि 2×2 के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 0 0 0 0। और आपने इनवर्स भी देखा है कि इफ ए इक्वल a11 a12 a21 a22, ये मैट्रिक्स है तो माइनस से कितना होगा, सभी एलिमेंट्स को माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे a21। सॉरी, यहाँ हमें बात करनी है किसकी, मल्टीप्लाइकेशन के लिए बात करनी है ना, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स की बात करनी है। तो यहाँ हमें एक कंडीशन और देनी पड़ेगी, क्या कंडीशन देनी पड़ेगी कि ए जो है इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है, मतलब एंट्रीज ऑफ ए आर रियल एंड वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ए इज नॉन जीरो। जब वैल्यू नॉन जीरो होगी तो इसका इन्वर्स भी होगा, तो ए इक्वल ए इन्वर्स है तो ए इन्वर्स भी क्या होगा, एम का मेंबर होगा। क्योंकि क्या, जबकि क्या दिया है कि डिटरमिनेंट ए शून्य के बराबर नहीं है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हम फिर से बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज अगेन ए मैट्रिक्स, ये प्रॉपर ऑर्डर है, एसोसिएटिव भी होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होते हैं, और इसके अलावा इसके इन्वर्स भी होता है यदि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नहीं होती, जीरो नहीं है। इसी में आप देखेंगे कि एक हमने ये लिया, दूसरा हम ये देखें कि इसी का सेकेंड पार्ट कि एम प्लस जो है, ओके ये आइडेंटिटी यहाँ क्या होगा कि यहाँ फिर से हम इसको अलग करते हैं, सॉरी बेटा, कि ये अपने चूंकि एडिशन और मल्टीप्लाइकेशन फिर यहाँ मिक्स हो गया है ना, तो इस जीरो का अलग कर देंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ बच्चों ने इसको पकड़ भी लिया होगा अभी तक कि ये 1 0 0 1। तो हम एम प्लस, चूंकि हमने पहले यहाँ ये नहीं लिखा था कि हम एम जो है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एम इनटू की बात कर रहे हैं, बीजगणित की संरचना एम मल्टीप्लाइकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ एडिशन की हम बात कर रहे हैं। तो सम ऑफ टू मैट्रिसेस, दो आवयवों का योग एक आवयव होता है, सहचर्य भी होता है, ठीक है, और आइडेंटिटी भी होता है। तो आइडेंटिटी यहाँ क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। ओके, तो मान लीजिए जीरो मैट्रिक्स हमने लिया, जीरो बार करके इसका नाम दे दिया, तो जीरो मैट्रिक्स क्या है, सभी एंट्रीज इसकी
ऐसा आवेश जिसकी सभी एंट्रीज जीरो हैं उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। और इनवर्स के लिए हम बात करेंगे, यदि तो ए यदि ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू है तब ए इनवर्स होगा माइनस ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू। ओके नाउ ए प्लस ए इनवर्स आप देखेंगे, ये हम बात कर रहे हैं या ए इनवर्स सिंबल लिखने के बजाय इसको हम माइनस ए लिख दें तो आपको ज़्यादा ठीक लगेगा, है ना। ओके तो यहाँ हम एक काम करते हैं कि माइनस ए लिख दें, ए इनवर्स तो गलत हो जाएगा क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए उसको उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आगे जब हम कुछ रिजल्ट प्रूव करेंगे जहाँ कॉम्पोजिशन जनरल सेंस में हम ओ लेंगे तब वहाँ जरूर हम इनवर्स का उपयोग करेंगे, जबकि वो मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं होगा। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि सम ऑफ ए एंड माइनस ए क्या है, ज़ीरो है, इसलिए माइनस ए जो है माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं जहाँ की आप देख सकते हैं कि ये समूह बनाते हैं। तो हम इसमें एक लास्ट एग्जांपल लेंगे और उसके बाद हम इसके कुछ नई डेफिनेशंस की तरफ आएंगे कि हम सेट ऑफ रैशनल्स में चलते हैं, कुछ वहाँ एग्जांपल ऐसा हम इस्टेब्लिश करेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ कि हम कई प्रकार के सेट्स में हो सकते हैं, केवल ये हम स्टैंडर्ड सेट्स की बात नहीं करेंगे कि नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इनके बीच में से भी हम बहुत से सेट्स बना सकते हैं जिनकी सहायता से हम दिखाएंगे कि ये ग्रुप है कि नहीं है। जैसे एक एग्जांपल जो आपको सॉल्व करना है होमवर्क के तौर पर हम आपको दे रहे हैं कि मान लीजिए हमने जो बीजगणित संरचना दी, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, आप घर पे इसको करेंगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एम ये इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन लिया, डॉट के लिए मल्टीप्लिकेशन, वेयर जहाँ की एम जो है ए प्लस बी रूट टू है और ए और बी पूर्णांक है, तो बताइए कि ग्रुप है कि नहीं है, क्या एम इनटू ग्रुप है कि नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एलिमेंट जीरो भी होगा, जीरो एम में होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम ए और बी इंटीजर हैं, ये तो नहीं कहा कि ए और बी अलग अलग होंगे, हम ए और बी यदि बराबर ले लें तो यहाँ हमें कितना मिलेगा, फॉर ए इक्वल बी इक्वल जीरो, जीरो प्लस जीरो रूट टू एम का मेंबर है, इसलिए हमने कहा जीरो एम का मेंबर है। और आप आसानी से देख सकते हैं कि जीरो का इनवर्स नहीं होता है, इसलिए जीरो का इनवर्स मतलब जीरो का इनवर्स वन बाई जीरो, और वन बाई जीरो क्या हुआ, इन्फाइनाइट, और इन्फाइनाइट इसका मेंबर नहीं है, इसलिए यह ग्रुप नहीं। आप इसकी सभी प्रॉपर्टीज को करेंगे आपको भी अच्छा सवाल लगेगा। तो अब देखिए यदि ग्रुप नहीं है, है ना, तो कुछ प्रॉपर्टीज में पालन होता है, जैसे हम देखें कि यहाँ हम देखिए चार प्रॉपर्टीज हैं, हम आपको रिपीट कर रहे हैं फिर से कि क्लोजर प्रॉपर्टी, साहचर्य गुणधर्म, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी, इनवर्स, समरूप गुणधर्म, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम। तो अब हम यहाँ आते हैं कि कुछ अगली डेफिनेशन के ऊपर, मैंने आपसे कहा था कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज़ को, कि इन चार प्रॉपर्टी से आप कुछ कम कर देंगे या कुछ ज़्यादा कर देंगे, या इनके अलावा तीन ये ले ली एक चौथी मन से ले आए, तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है ग्रुप नहीं होगा। जैसे आपका पहला देखें ग्रुप आइड समूहाव, या इसको कॉसी ग्रुप भी कहते हैं, केवल यदि जीवन प्रॉपर्टी है
इसके अलावा आप भी बने, मतलब यदि जीवन प्रॉपर्टी है तो हम कह देंगे कि ये ग्रुपाइड है। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि ग्रुपाइड किसे कहेंगे। इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए कॉम्पोजिशन बी आल्सो बिलोंग्स टू जी, यदि सभी ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए कॉम्पोजिशन बी भी जी का अवयव है, देयरफॉर देन जी इज सेड टू बी ए ग्रुपाइड। आप समझ गए होंगे कि यदि जीवन प्रॉपर्टी है किसी स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर क्या है आपका, वही जी कंपोजिशन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हम वही लेंगे अखीर तक जब तक इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कंपोजिशन में यदि जीवन प्रॉपर्टी का पालन होता है तो उसे हम ग्रुपाइड कह देंगे। इसके बाद आप ये सेमी ग्रुप, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ यदि किसी स्ट्रक्चर में दो प्रॉपर्टी, फर्स्ट टू कौन सी वाली, क्लोजर एंड एसोसिएटिव, तो उस स्ट्रक्चर को हम सेमी ग्रुप कहेंगे या आल्द समूह कहेंगे। ओके, इसके बाद मोनोवाइड, इसको ऐसे हम लिखते हैं मोनोवाइड, मोनोवाइड थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं, राइटिंग मेरी बहुत गंदी है ना, तो मोनोवाइड G1 G2 G3, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यदि तीन प्रॉपर्टी हैं तो ऐसे समूहों को हम मोनोवाइड कहेंगे। ओके, तो आपका तीन हो गए। अब यदि G1 G2 G4 है, चारों हैं, तो उसे हम ग्रुप कहेंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि इन चार प्रॉपर्टी को हम यहाँ वहाँ नहीं कर सकते। यदि एग्जैक्टली चार प्रॉपर्टी हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक अवयव वहाँ है और तत्समक अवयव है, तीसरा तत्समक अवयव, यदि ये तीनों हैं तो मोनोआइड हो गया, और चौथी यदि इनवर्स एलिमेंट का, इनवर्स एलिमेंट भी है, तब उसे हम ग्रुप कहेंगे। तो देखो बेटा कि जैसे हमने ग्रुप की बच्चों बात की है, तो ग्रुप में चार प्रॉपर्टी होती हैं, G1 G2 G4 एंड G1 G2 G3 एंड G4। यदि G1 है तो उसे हम ग्रुपाइड कहेंगे, G1 G2 है तो उसे हम सेमी ग्रुप कहेंगे, G1 G2 G3 है तो उसे मोनोवाइड कहेंगे, और चारों हैं तो उसे हम ग्रुप कहेंगे। तो जैसे कोई ग्रुप है, यदि ग्रुप है तो सेमी ग्रुप तो होगा ही वो, क्योंकि तीन प्रॉपर्टी तो उसमें होंगी, तो जितने भी ग्रुप्स होंगे वो सभी ग्रुपाइड भी होंगे, सेमी ग्रुप भी होंगे और मोनोवाइड भी होंगे। लेकिन यदि कोई मोनोवाइड है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रुप भी बनाए, मतलब अकेली जीवन प्रॉपर्टी, उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं, तो उसको ग्रुपाइड तो कहेंगे हम, लेकिन ग्रुप नहीं कह सकते। तो ऐसे भी हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं कि जहाँ पर कि आपको समझ में आएगा कि जैसे हम लें एग्जांपल, है ना, नंबर वन लिया हमने आई, ये स्ट्रक्चर हमने लिया सेट ऑफ इंटीजर्स, और हमने जो बाइनरी ऑपरेशन लिया माइनस लिया, सबट्रैक्शन लिया। तो आप देखेंगे इसमें सबट्रैक्शन में किन्हीं भी दो पूर्णांकों को हम घटाएंगे, पूर्णांक ही मिलेगा ना, मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, ए माइनस बी भी आई का मेंबर होगा। सेकंड, मतलब ये आपका G1 हो गया, G2 देखेंगे आप कि ए माइनस बी माइनस सी क्या इसके बराबर होगा, आप करके देखेंगे नहीं होगा इन जनरल, तो इसलिए ये केवल ग्रुपाइड है, बाकी हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं, देयरफॉर आई माइनस इज ए ग्रुपाइड।
मैं इतने एग्जांपल्स इसलिए ले रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए कि मैथमेटिक्स में एग्जांपल का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, कि आपके जितने एग्जांपल समझ में आएंगे तो उससे आप समझ सकेंगे कि हाँ इसकी डेफिनेशन ये होनी चाहिए। तो डेफिनेशन आप एग्जैक्टली ध्यान रखिए, उसके बाद एग्जांपल्स भी आप थोड़े साथ में बनाइए भी। जैसे हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल्स की और मल्टीप्लिकेशन, उसमें बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं, तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमने लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विथ मल्टीप्लिकेशन साइन, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ये हम देखेंगे कि नंबर वन जीवन कहें फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, वी हैव ए इंटू बी बिलोंग्स टू एन। भाई किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्राकृतिक संख्या मिलेगी। इसी प्रकार हम किन्हीं कोई भी तीन प्राकृतिक संख्याएं ले लें, हमारे पास क्या है कि ए बी सी बिलोंग टू एन, ओ सी नहीं लिखा है, तो सॉरी ए बी सी बिलोंग्स टू एन, वी हैव ए इंटू बी इंटू सी, मतलब नेचुरल नंबर्स को हम किसी भी क्रम में मल्टीप्लाई कर दें वह बराबर होंगे। जी थ्री कि दे एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू आई, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, कि सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन ए इंटू वन इक्वल ए, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है लेकिन इन्वर्स नहीं है। जैसे टू नेचुरल नंबर है, टू बिलोंग्स टू एन है, बट टू इन्वर्स एन का मेंबर नहीं है, देयरफॉर एन मल्टीप्लिकेशन इज ए मोनोइड। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि इसके पहले भी जो हमने एग्जाम्पल्स लिए थे वहाँ भी आप देख सकते हैं कि जितने भी ग्रुप्स हैं वो सभी ये तो तीनों होंगे ही, ग्रुपाइड भी होगा, सेमी ग्रुप भी होगा और मोनोइड भी होगा, लेकिन ये एन इंटू मोनोइड है लेकिन ग्रुप नहीं है। सेट ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आई माइनस, ये आपका ग्रुपाइड है लेकिन ग्रुप नहीं है। तो फर्स्ट फोर प्रॉपर्टी जो है ना क्रम से उनको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और हम इसमें लेते हैं G5 की, डिफाइन कर रहे हैं कि इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, वी हैव ए कॉम्पोजिशन बी इक्वल बी कॉम्पोजिशन ए, देन जी कॉम्पोजिशन इज सेट टू बी एन अबेलियन ग्रुप। यदि समूह में उन चार प्रॉपर्टी के अलावा, ठीक, हमारा जी जो है ये समूह है, तो ग्रुप में यदि इन चार प्रॉपर्टी के अलावा एक पांचवी प्रॉपर्टी भी है तब उसे हम अबेलियन ग्रुप कहेंगे या कम्यूटेटिव ग्रुप कहेंगे, कम्युनिमेय समूह कहेंगे, कम्युनिमेय समूह कहेंगे, आबेली भी कुछ लोग लिख लेते हैं कि आबेली समूह कहेंगे या कम्युनिमेय समूह कहेंगे या अविलियन ग्रुप कहेंगे, मतलब ग्रुप तो होना चाहिए। और ग्रुप के अलावा यदि कम्युनिमेय नियम भी वहाँ सेटिस्फाई होता है तो हम कहेंगे कि ये जो समूह है कम्युनिमेय समूह है। तो पीछे जितने एग्जाम्पल्स हम देखेंगे हम उसको वापस से रिकॉल करते हैं कि देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स, हम पूर्णांकों को भी जोड़ें, ए प्लस बी इक्वल हमेशा बी प्लस ए है, कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में हम जोड़ लें, 2+3=3+2 एटसेट्रा, तो पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ें वह क्रमनिमेय नियम का पालन करते हैं। इसी प्रकार ये भी अबेलियन ग्रुप है, ये भी अबेलियन ग्रुप है, ये सभी अबेलियन ग्रुप हैं और ये भी अबेलियन ग्रुप है, लेकिन ये भी अबेलियन ग्रुप है। हमने बात की जैसे सेटअप मैट्रिसेस की, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटअप मैट्रिसेस समूह है लेकिन क्रमनिमेय समूह नहीं है। उसके लिए आप देख सकते हैं
कि जो हमने पिछले एग्जांपल्स में बात की थी कि मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स, हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मान लीजिए हमने एक M1 मैट्रिक्स लिया 1 2, चूँकि आपने पहले भी पढ़ा है मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन नीड नॉट बी कम्यूटेटिव, मतलब आवश्यक नहीं है कि आव्यूहों का गुणनफल क्रमणीय नियम का पालन करे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइकेशन आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में केवल एक प्रकार से मल्टीप्लाइकेशन होता है, रो बाई कॉलम, जिससे आप देखेंगे कि फर्स्ट रो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस फर्स्ट कॉलम से, तो आपको मिलेगा 1 into 2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस 2 into 0, तो आपको 2 मिल जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इससे मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4, और यहाँ सेकंड रो सेकंड कॉलम इससे मिल जाएगा 2 आपको, तो ये मिला। इसी प्रकार आप देखेंगे कि M2 M1 अब उल्टे क्रम में लिखेंगे तो हम M2 को लिख लेते हैं 2 1 0 1 और 1 2 2 0। ओके, तो यहाँ से आप देखें कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम, तो 2 into 1 plus 1 into 2 ये मिला आपको 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये भी आपको 4 मिलेगा 2 into 2 plus 1 into 0। अब सेकंड रो पर आते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये 2 और सेकंड रो सेकंड कॉलम 0, तो यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि ये जो है M1 M2 के बराबर नहीं है, इसलिए ये नॉन अबेलियन ग्रुप है या नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है ये, कौन सा सेटअप मैट्रिसेस। लेकिन योग के सापेक्ष हम देखेंगे तो आव्यूहों का समुच्चय, किन्हीं भी वर्ग आव्यूहों का समुच्चय योग के सापेक्ष अबेलियन ग्रुप बनाता है। तो जैसे आपकी बात की योग और गुणा, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अलग अलग हो सकता है। जैसे आपने और भी एग्जांपल, चलिए हम आपको एक कंपोजिशन टेबल से बता देते हैं एक एग्जांपल कि मान लीजिए कि हमने एक सेट लिया जी, ओके, कैसे मेंबर्स हैं, सच दैट एक्स क्यू इक्वल 1, एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक्स क्या है इकाई का घनमूल है। जैसे आप देखें इकाई का घनमूल मतलब एक समीकरण है आपका एक्स क्यू इक्वल 1 है, तो एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल कितना होगा 0, इसको हमने फैक्टर्स किए, तो चूंकि यह स्कूल लेवल के फैक्टर्स करना काम है इसलिए हम इसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस 1 इक्वल 0 आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0, सो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल 1 आर इसके रूट निकाले हम तो एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी इसके माइनस 4 इसके अपन ट्राई से फार्मूला से ना, तो माइनस बी तो 1/2 प्लस माइनस 1 - 4 दैट इज आई रूट 3/2, तो आपको तीन वैल्यूज मिल गई। एक वैल्यू को हम कह देते हैं मान लीजिए ओमेगा, ओमेगा कहते हैं 1/2 प्लस आई रूट 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे आप तो आसानी से देख लेंगे कि ओमेगा इसका होगा 1/2 माइनस आई रूट 3/2, यहाँ से आपको सेकंड फर्स्ट और सेकंड रूट लिख लिया आपने, और यदि इसका क्यूब करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1, तो इसलिए हम कहते हैं ना ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा इकाई का घनमूल है, तो ओमेगा क्या है वहाँ ये ले लें आप या ये ले लें। तो देखिए यदि हम टेबल बनाते हैं यहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो 1 into ओमेगा इक्वल ओमेगा, तो इसको हम कॉम्पोजिशन टेबल से भी समझ सकते हैं। दो लाइन हम खींच लेते हैं, ठीक, एक कॉलम एक रो, तो यहाँ मल्टीप्लाइकेशन साइन ले लेते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 into 1 1 1 into ओमेगा ओमेगा और 1 into ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार आप सेकेंड रोल देते हैं ओमेगा इंटू 1 दिस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब विच इज ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा क्यूब विच इज 1 या ओमेगा इज टू 4, ये कितना हुआ
ओमेगा। तो यहाँ कॉम्पोजिशन टेबल में देखेंगे कि जो भी एंटिटीज आपकी हैं वो सभी सेट वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से हैं, और यही सेट किसको रिप्रेजेंट करता है, जी के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो एक के सामने देखेंगे आप एलिमेंट्स ज्यों के त्यों आ गए, या एक के नीचे देखेंगे तो एलिमेंट्स ज्यों के त्यों आ गए। इसलिए वन इसकी क्या हो गए, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। इनवर्स आप देखेंगे कि यहाँ में वन मिल रहा है, ये किसका मल्टीप्लाइकेशन है, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा का, इसलिए ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा और ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर, वाइस वर्सा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल वन। तो इनवर्स भी मिल रहा है आपको, आइडेंटिटी मिल रही, मल्टीप्लाइकेशन करने से वहीं का एलिमेंट मिलता है, एसोसिएटिव भी है। चूंकि सेटअप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का उपसमुच्चय है और सेटअप कॉम्प्लेक्स नंबर साहचर्य नियम का पालन करता है, पहले भी मैंने बात की है कि साहचर्य नियम और क्रम विनिमय नियम और बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये तीन प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि किसी भी सेट में इनका पालन होता है तो वो उनके सबसेट्स में भी होता है। जैसे कि आप समुद्र में कहीं से भी पानी निकालेंगे, उसका टेस्ट कैसा होगा, खारा होगा। तो उसका समुद्र का कोई भी छोटा हिस्सा भी कहीं इकट्ठा हो गया होगा, उसके आप टेस्ट करेंगे तो खारी मिलेगा ना। ऐसी तीन प्रॉपर्टी ये ऐसी हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात देखेंगे आप कि जो फर्स्ट कॉलम है देखिए, और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, हम इनको कॉलम नंबर वन टू कह थ्री कह देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, आप देखिए मैंने येलो ग्रीन इसलिए कर दिया कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो फर्स्ट कॉलम है आपका येलो में वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ग्रीन में देखेंगे फर्स्ट रो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब आइडेंटिकली सेम है, समान है। इसी प्रकार दूसरा कॉलम देखेंगे ओमेगा के नीचे वाला, ये येलो में है जो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, तो सेकंड क्या है यहाँ रो ग्रीन में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन। इसी प्रकार थर्ड कॉलम है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू, और ओमेगा किस में है, ये मतलब आप येलो में देखेंगे, ओके तो ग्रीन में देखेंगे तो ये भी वही है ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा। तो चूंकि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब कैसा, कि जो रो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, और थर्ड रो थर्ड कॉलम है, तो यदि ऐसा है सिमेट्रिक है तो कहेंगे यहाँ क्रम विनिमय नियम का पालन भी होता है। तो इनफैक्ट जो आपका ये ग्रुप है जो हमने देखा है कि जी कंपोजिशन इज एन अबेलियन ग्रुप, तो ग्रुप के एग्जांपल्स की हमने बात की, ग्रुप की डेफिनेशन देखी, नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। ओके थैंक यू मच, थैंक यू वेरी मच बच्चों।